लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 13 इज कंसिडर द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट कंसिडर करनी है. रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2.2:5. हॉल की ब्रेथ और लेंथ की रेशियो दे रखी है 2:5. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें ये टेबल कंप्लीट करना है दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल. जो इसमें हमें कुछ ब्रेथ और कुछ लेंथ दे रखी है, तो हमें ये दो वैल्यूज़ लिखनी है. तो ये दो वैल्यूज़ क्या होंगी वो बताना है. तो देखिए, हमें पता है ब्रेथ जो है वो अगर 2 है तो लेंथ 5 है, राइट? ये रेशियो दे रखी है. और अगर आप इन दोनों को भी देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू ये वाली ले रही हूँ 10 और इज टू 25, क्योंकि ब्रेथ पहले है. देखिए यहाँ पे ब्रेथ पहले है, लेंथ बाद में. ब्रेथ पहले है, लेंथ बाद में. तो इसलिए ब्रेथ की वैल्यू पहले लिखी है और लेंथ की वैल्यू बाद में लिखी है, राइट? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 10/25 करते हैं और सेम नंबर से ऊपर नीचे काटते हैं, तो देखिए 5 2s are 10, 5 5s are 25, यही सेम रेशो आ रही है. तो इसका मतलब इसी रेशो में आना चाहिए, राइट? अब कैसे करेंगे? अब 10/25 एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं ब्लॉक बना रही हूँ, अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन ब्लॉक, राइट? ये हमें ब्लॉक्स भरने हैं. तो कैसे? यही वाले ब्लॉक्स हैं. तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे 25 का दुगना हो रहा है, 25 से ज़्यादा वैल्यू है. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 12 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, लेकिन अगर 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो छोटा नंबर आएगा, राइट? तो यहाँ पे 25 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम इसका मतलब 25 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ कि हमारा 50 आ रहा है. तो हमें पता है 25 2s are 50 होता है, तो इसका मतलब हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेम वैल्यू से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी. तो 10 × 2 हमारा कितना आ गया? 20. तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 20. यहाँ पे 20 आ गया, राइट? ये इक्वल इसलिए लगाई हैं क्योंकि ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के इक्वल आएंगे. अगर आप काट के भी देखेंगे तो सेम आएंगी. तो देखिए, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ, 2/5 ही आएगी. 0 से 0 कट गया तो क्या बच गया? 2/5 ही बच गया, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में कह रखा था कि ब्रेथ और लेंथ की रेशियो 2:5 है. अब इस केस में भी 2:5 आएगा, तो क्या आएगा? अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 और 50 है, तो 20 से बड़ा नंबर आ रहा है 40, तो इसका मतलब हमारा 20 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है कि 40 आ जाएगा. और हमें पता है 20 2s are 40 होता है, तो इसका मतलब 50 में भी हम इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 100. तो हमें पता चल गया यहाँ कितना आएगा? 100. तो हमने यहाँ लिख दिया 100, राइट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. आपको ये देखना पड़ेगा अब नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से ऊपर नीचे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमें डिवाइड करना है सेम नंबर से ऊपर नीचे. तो दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ. क्वेश्चन नंबर 14 इज डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2. वो कह रहा है 20 पेन्स को डिवाइड करना है शीला और संगीता में, किस रेशियो में? 3:2 में. तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि कोई भी चीज़ हमें दो नंबर दो पर्संस में डिवाइड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? पहले वाली रेशियो पहले वाले नाम की है, मतलब शीला की है और संगीता की 2 है, राइट? और टोटल रेशियो कैसे निकालेंगे? टोटल रेशियो क्या होती है? जो भी हमें रेशियो दे रखा है उसको हम आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारी 3+2 हो जाएगी टोटल रेशियो. तो ये कितनी आ जाएगी? 5. तो अब हमें शीला के केस में कितने पेन्स आएंगे वो निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने थे हमारे पास? 20. तो 20 × अब शीला की रेशियो क्या थी? शीला पहला नंबर नाम था, तो पहले क्या कितनी देर के? 3/ टोटल रेशियो. टोटल रेशियो कितनी आ गई? 5. तो हमने यहाँ लिख दिया 5, राइट?
मान लीजिए अगर हमारे पास 5 रुपीज़ हैं और हमें शीला और संगीता में डिवाइड करने हैं और हमें रेशियो दे रखे 3:2, तो इसका मतलब शीला को 3 रुपीज़ मिलेंगे तो संगीता को कितने रुपीज़ मिलेंगे, 2 रुपीज़ मिलेंगे। इसका इस रेशियो का मतलब ये है। तो अब हमें 20 पेंस डिवाइड करने थे, तो 20 × शीला की रेशियो थी पहले वाली 3, और टोटल रेशियो हमारी कितनी थी 5, तो 3/5 कर देंगे। अब सेम नंबर से ऊपर नीचे काटते हैं, तो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो ये कितना आ गया 4 × 3, तो 4 × 3 कितना हुआ 12, 12 पेंस तो शीला को मिलेंगे। अब इसी तरीके से संगीता की निकाल लेंगे, तो संगीता को कितने पेंस मिलेंगे, टोटल थे 20 और संगीता की थी बाद वाली रेशियो दैट इज 2, और टोटल रेशियो थी हमारी 5। सेम नंबर से ऊपर नीचे काटा, 5 × 5, 5 × 4 = 20, तो ये कितना आ गया हमारा 4 × 2 दैट इज 8 पेंस संगीता को मिलेंगे, राइट। तो इसका मतलब हमने 20 पेंस डिवाइड कर दिए शीला और संगीता में, कि शीला को तो 12 पेंस मिलेंगे, संगीता को 8 पेंस मिलेंगे, जो किस रेशियो में, 3:2। अगर आप शीला की ऊपर और संगीता की नीचे रख के रेशियो निकालेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे, तो यही रेशियो आएगी। तो दिस इज़ आर आंसर।